मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में रहने वाली अयोध्या, जिसकी मॉनिटरिंग खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हों, वहां विकास की गंगा बहना लाजमी है। शायद यही वजह है कि अब अयोध्या वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और सौगात दी है। दरअसल अयोध्या को अब स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने की कवायद तेज हो गई है। जहां एक तरफ हजारों करोड़ की परियोजनाएं रामनगरी में परवान चढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ अयोध्या शहर के गंदे नालों के पानी के लिए ट्रीटमेंट के जरिए सीवर ट्रीटमेंट प्लान लगाए जाने की योजना है, जिसका बीते दिनों सांसद लल्लू सिंह ने भूमि पूजन किया है। हालांकि नमामि गंगे परियोजना के तहत लगभग 221 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीवर ट्रीटमेंट सरयू तट के किनारे जमथरा माझा में बनाया जाएगा। भगवान राम की जन्मस्थली स्वच्छ और निर्मल नजर आए, उसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए गंदे पानी को स्वच्छ किया जाएगा। इसके साथ ही रामनगरी के सरयू में गंदी नाली बहने वाली, जिसका लंबे समय से संत समाज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि अब उस पर भी लगाम लगेगा और इस प्रोजेक्ट से एक कदम आगे बढ़कर स्वच्छ नगरी, सुंदर नगरी के रूप में भगवान राम की जन्मस्थली नजर आएगी। जानिए क्या कुछ कहा सांसद लल्लू सिंह। 221 करोड़ रुपए का एसटीपी की यहाँ पर योजना है, जो अयोध्या फैजाबाद शहर के 15 नालों के गंदे पानी को ला करके यहाँ सीवरेज करेगा, शुद्ध करने का काम करेगा और इस सीवरेज प्लांट के बन जाने के बाद अयोध्या में नगर निगम क्षेत्र में जो गंदगी है वह स्वाभाविक रूप से समाप्त होगी। कुल मिलाकर के अयोध्या सुंदर बने, स्वच्छ बने, माननीय मोदी जी की जो सोच है उसके अनुरूप अयोध्या आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ निरंतर इसमें प्रयासरत हैं और हम सब भी कार्यकर्ता के नाते सहयोगी के रूप में इसमें लगे हुए हैं।